गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप हमें सचिव सिनेमा के चैनल पे। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स की। पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। तो पर्सनालिटी को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सम ऑफ टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरैक्ट्स विद ईच अदर। यानी पर्सनालिटी जो है वो एक तरह का गुण होता है किसी व्यक्ति का, जिसके माध्यम से वो अन्य व्यक्तियों से संचार करता है। जैसे पर्सनालिटी इज अ पैटर्न ऑफ स्टेबल स्टेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट इन्फ्लुएंसेस हिज और हर बिहेवियर टूवर्ड गोल अचीवमेंट। यानी पर्सनालिटी जो है या व्यक्तित्व जो है वो ये बताता है कि पैटर्न क्या है। यानी पर्सनालिटी एक तरीका है, पैटर्न है स्टेबल स्टेट्स का, जो ये बताता है कि व्यक्ति में किस तरह की विशेषताएं विद्यमान है और वो व्यक्ति किन-किन परिस्थितियों में किस किस तरीके से काम करेगा, किस तरह से एक्शन लेगा और वो उसके भावी जीवन को निर्धारित करती है। जैसे अब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, या वो व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति हसमुख है, वो व्यक्ति चंचल है, व्यक्ति कठोर है, ये सब पर्सनालिटीज होती है। ये सब पर्सनालिटी के हिस्से हैं, आपके व्यक्तित्व के हिस्से हैं। ये दरअसल एक व्यक्ति को बनाती है। पर्सनालिटी की सही परिभाषा है कि अ रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। अर्थात किसी व्यक्ति के व्यवहार को जो इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको क्या कहा जाता है? पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी का ट्रेट क्या होता है? पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब है कि पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक जो लंबे समय तक चलते हैं और अलग अलग समय और डिफरेंट सिचुएशंस में काम करते हैं। जैसे ट्रेट थियोरी ऑफ पर्सनालिटी फोकस ऑन मेजरिंग, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेट्स। फोकस इज ऑन व्हाट इज डिफरेंट, नॉट व्हाट इज द सेम। पर्सनालिटी थियोरीज जो हैं वो इस पे काम करती है कि क्या लोगों में डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम करती है। पर्सनालिटी ट्रेट्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट। पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं यानी किसी की व्यक्तित्व को मापने के लिए हम कुछ मापदंड इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ट्रेट कह सकते हैं कि किस किस तरह के बिहेवियर या कुछ गुण हैं जो किसी व्यक्ति में विद्यमान होंगे तो वो किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में काम करेगा। तो बड़े पांच पर्सनालिटी ट्रेट माने जाते हैं। पहला है ओपननेस, यानी व्यक्ति खुला हो, हर तरीके की सोच को तैयार रखे, हर किसी के लिए हो। कंसाइंशियसनेस है, कंसाइंशियसनेस यानी व्यक्ति जो है वो अपने लॉजिक यानी अपने भाव से काम लेता है। एक्स्ट्रावर्जन कौन होते हैं? वो जो हसमुख, मैंने आपको बताया था, चंचल किस्म के लोग जो बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस क्या होती है कि जब हम ये बताते हैं कि अग्रीएबलनेस मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो अपने ग्रुप में रहते हुए लोगों से किस तरह से व्यवहार, किस तरह से उनकी बात को रखता है या काटता है, या किस तरह से उनके साथ बातचीत करता है। फिर है न्यूरोटिसिज्म, कोई व्यक्ति किस बात को कितना नेगेटिव ले सकता है, ये हो गया न्यूरोटिज्म। तो ये पांच आपकी बड़ी पर्सनालिटी ट्रेट है। सबसे पहली है ओपननेस, जनरल एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, इमोशन, एडवेंचर, अनयूजुअल आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस। यानी अलग अलग तरह की इमोशंस को, एडवेंचर्स को भोगने की क्षमता, यानी अलग अलग लोगों से मिलने की। ये इंटेलेक्चुअल है ओपननेस, नए आइडियाज को लेके एजुकेशनल एप्टीट्यूड है। डिस्क्राइब द ब्रेथ एंड डेप्थ, ओरिजिनैलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो लोग, जिसमें लोगों में ओपननेस ज़्यादा होती है वो लोग क्रिएटिव होते हैं। जैसे ये देखिए, जहाँ हाई की हम बात करेंगे, जिन लोगों में ओपननेस ज़्यादा है
वो क्रिएटिव होते हैं, जिनमें लो होती है वो चेंजेस कम पसंद करते हैं, रिजिड होते हैं। तो ओपन लोग जो होते हैं वो नई चीजें ट्राई करने को उत्सुक रहते हैं, फोकस इन टैकलिंग न्यू चैलेंजेस, नए दोस्त जल्दी बनाते हैं और नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाते हैं। और उसी तरह से जो लो जिनकी ओपननेस है वो नई चीजें एंजॉय नहीं करते, नए आइडियाज को एंजॉय नहीं करते और इमेजिनेटिव नहीं होते हैं, क्रिएटिव नहीं होते हैं। तो इन दोनों के बीच में बहुत जरूरी है कि ना तो अगर आपको सही रहना है, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, तो ओपननेस हाई होनी चाहिए और लो होनी चाहिए, यानी दोनों के बीच में कहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो आप ज्यादा ओपन होंगे और नई चीज तो आप चंचल भी हो जाएंगे कई बार, और कई बार गलत फैसले ले सकते हैं। लो होगी तो आप रिजिड रहेंगे, नए फैसले नई चीजों पर बढ़ नहीं पाएंगे। अग्रीएबलनेस, अग्रीएबलनेस की बात करते हैं, इट इज अ टेंडेंसी टू कंपैशनेट एंड कोऑपरेटिव रादर देन सस्पिशियस एंड एंटागोनिस्टिक। अग्रीएबलनेस का मतलब है कि आप दूसरों से कितना सामंजस्य बना पाते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये टेबल है तो आप कहते हैं कि हाँ हाँ टेबल है, तो क्या हुआ, ये एक अग्रीएबलनेस की स्थिति आ गई, आप लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो अल्ट्रुइज्म, माइंडलेस ट्रस्ट, ये ट्रस्ट पैदा करता है, मॉडेस्ट होता है। स्केल इज लिंक्ड टू न्यूट्रंस केयरिंग एंड इमोशनल सपोर्ट वर्सेस कम्पिटिटिवनेस, यानी इसमें आप जेलसी जैसी भावनाओं को थोड़ा दूर रखते हैं। अग्रीएबल पीपल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अल्ट्रुइस्टिक, जेंटल, काइंड लोग होते हैं, मोस्टली थोड़े सिंपैथेटिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं। तो जिन लोगों में अग्रीएबलनेस ज्यादा है वो लोग क्या करते हैं, ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल, वो दूसरे लोगों में विश्वास ज्यादा करते हैं, केयर ज्यादा करते हैं, एम्पथी है, वो लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है। जिनमें ये बहुत कम होता है वो लोग दूसरों में ज्यादा भरोसा नहीं करते, अपने आप में खुश रहते हैं, अपने अपने आप में ज्यादा भरोसा करते हैं, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स में भरोसा नहीं करते हैं, लोगों की इंसल्ट करते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी रिजिडनेस का ही उदाहरण है। तो दरअसल अग्रीएबलनेस भी आप में ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मीडियम लेवल पे होनी चाहिए। कि अगर कोई कह रहा है, जैसे अग्रीबलनेस ज्यादा होती है, तो अगर मैं सेब को टमाटर कह दूं तो आप भी सेब को टमाटर कहेंगे, मुझे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बॉस कुछ गलत कर रहा है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। तो ये एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बहुत गलत हो जाता है, हाई अग्रीबलनेस होना भी, लो होना भी बहुत गलत, आप छोटे बच्चे की तरह काम करते हैं तो ये भी गलत है। इमोशंस होना भी बहुत जरूरी है। न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म क्या है, टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन, यानी एंगर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सबको न्यूरोटिसिज्म कहा जाता है। तो जिनमें ये ज्यादा होता है वो लोग इमोशनली जैसे एंक्शियस, नर्वस फील करते हैं, सैड रहते हैं, जिनमें कम होता है वो स्टेबल रहते हैं। तो आइए बात करते हैं इस बारे में कि अगर हाई है तो एक्सपीरियंस लॉट ऑफ स्ट्रेस, वरी अबाउट मेनी डिफरेंट थिंग, कोई भी छोटी चीज को लेके भी डिप्रेस हो जाते हैं, और ड्रामेटिक शिफ्ट्स होते हैं मूड में, एंक्शियस रहते हैं, और न्यूरोटिसिज्म इमोशनली स्टेबल होते हैं, डील सेल्फ वेल विद स्ट्रेस, रेयरली फील सैड, सैड बिल्कुल फील नहीं करते हैं, डजंट वरी मच, ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, और रिलैक्स रहते हैं। लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करना भी कई बार थोड़ा खतरनाक हो जाता है, तो आपको चिंता करनी भी चाहिए, क्योंकि बिजनेस के लिए थोड़ा अच्छा होता है। अगर आप सोचेंगे कि सब कुछ सही होगा, कुछ नहीं होगा, तो पॉजिटिवनेस भी कई बार घातक सिद्ध हो जाती है कुछ जगहों पे, तो आपको डर भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे लो की तरफ ज्यादा होना चाहिए न्यूरोटिसिज्म, हाई की तरफ कम होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं हम एक्स्ट्रावर्ज, वो लोग होते हैं ना जो पार्टी करते हैं और नए लोगों से मिलते हैं, बड़े एक्साइटेड रहते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मोस्टली एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं ना। तो एक्स्ट्रावर्जन जो है, इस गुण को कहते हैं एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, सर्जेंसी होती है, और सोशली एक्टिव होते हैं, और थोड़े इमोशनल कम होते हैं। इनके साथ तो एक्स्ट्रावर्जन जब हाई होता है तो ये सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद करते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, इनका सोशल सर्कल बड़ा होता है, और ये जल्दी दोस्त बना लेते हैं, एनर्जाइज रहते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं। लो होता है वो आराम, इस ये कह सकते हैं अब ये एक्सट्रोवर्ट हो गए, ये इंट्रोवर्ट हो गए,
मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे अकेले रहना जैसा पसंद है। फील्स एग्जॉस्टेड व्हेन हैविंग टू सोशलाइज, ज़्यादा सोशलाइज होना थोड़ा अजीब लगता है, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, ऐसा मेरे साथ तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो लोग इंट्रोवर्ट होता है उनके साथ किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ज़्यादा बात करना इन द सेंस डिसलाइक्स मेकिंग स्मॉल टॉक, यानी जिसको वो पसंद करते हैं उनसे ज़्यादा बात करते हैं, कम बात नहीं करते हैं, काफ़ी बातें करना पसंद करते हैं। क्या मोस्टली ये लोग इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होते हैं, जो जिनका एक्सट्रोवर्ट जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो इंटेलेक्चुअल ज़्यादा होते हैं, और इनको सेंटर ऑफ अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है, साइड में रहता है, अकेले रहता है। तो ये दोनों भी परिस्थितियां जो हैं, एक्सट्रोवर्ट होना भी सही है, इंट्रोवर्ट होना भी सही है। और आजकल के माहौल को देखते हुए आपको कुछ अकेले रहना भी चाहिए और कुछ साथ भी रहना चाहिए, तो दोनों जो गुण हैं उनमें कहीं बीच में एक व्यक्ति को होना चाहिए। फिर है कंसाइशियसनेस। कंसाइशियसनेस का मतलब है टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, एक्ट ड्यूटीफुली, एम फॉर अचीवमेंट अगेंस्ट मेजर्स और आउटसाइड एक्सपेक्टेशंस, यानी इंसान को हमेशा लॉजिक से काम लेना चाहिए, रैशनल होना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना है, ड्यूटीफुल काम करना है, यानी ये डिसिप्लिन से जुड़ी कंसाइंशियसनेस है। आप और डिस्क्राइब सोशली प्रिस्क्राइब्ड इंपल्स कंट्रोल फैसिलिटेट टास्क एंड गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी जो जिनमें कंसाइंशियस ज़्यादा होती है वो लोग गोल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, फोकस्ड होते हैं, फ्लेक्सिबल इज मोर इम्पल्सिव एंड ईजियर टू प्रसवाइड फ्रॉम मोर वन टास्क टू अनदर। आइए चलिए देख लेते हैं कि जिन लोगों में ओपननेस ज़्यादा होती है वो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, प्रैग्मेटिक होते हैं, रिस्क लेते हैं, रैशनल होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, रैशनल होते हैं, थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, यानी बहुत सोच समझ के काम करते हैं। जिनमें ओपननेस हाई होती है वो क्रिएटिव होते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं, थोड़े लिबरल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं और चेंज को पसंद करते हैं। तो ये बात करता है, ओपननेस जो है बात करती है क्रिएटिवनेस की, इमेजिनेस की, डाउन टू अर्थनेस की और प्रैग्मेटिक की। तो जो लो होते हैं वो प्रैग्मेटिक होते हैं, डाउन टू स्टार्ट होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, जिनमें हाई होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। कंसाइंशियसनेस जो है वो ये बताती है कि प्रेफरेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू लाइफ इन कंट्रास्ट टू स्पॉन्टेनियस वन, यानी कंटेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, केयरफ्री होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं। जिनमें ज़्यादा होता है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, अचीवमेंट को प्रिफर करते हैं। फिर है एक्स्ट्रावर्जन, ये टेंडेंसी है एक्सटर्नल वर्ल्ड के प्रति इमोशंस की, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। जिनमें लो होती है वो सॉलिटरी होते हैं, अकेले रहते हैं, टीम ओरिएंटेड होते हैं। जो एक्स्ट्रावर्जन होते हैं आउटगोइंग होते हैं, अकेले और लीडर्स होते हैं, मोस्टली लीडरशिप क्वालिटी है ये एक्स्ट्रावर्जन। अग्रीएबलनेस यानी लोगों के पास आप साथ आप किस तरह का सामंजस्य बिठाते हैं, तो एग्रीएबलनेस जो है ये मेंटेनिंग पॉजिटिव सोशल रिलेशंस, फ्रेंडली, कंपैशनेट एंड कोऑपरेटिव की बात करती है। तो जिन लोगों में एग्रीएबल ज़्यादा होती है वो फ्रेंडली होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और रेडी टू कॉम्प्रोमाइज होते हैं। जिनमें कम होती है वो स्केप्टिकल होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, इंडिफरेंट होते हैं। न्यूरोटिसिज्म मेजर्स द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग एंड इमोशन सच एज गिल्ट, एंगर, एंजाइटी। तो इन एक्सपीरियंस को जितना कंट्रोल करते हैं आप इमोशंस को, तो ज़्यादा अगर आप कंट्रोल करते हैं, यानी एन्यूरिज्म आप पे कम है, यानी आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, तो न्यूरोटिसिज्म कम होगा और आप कंट्रोल्ड होंगे, बोल्ड होंगे, इमोशनली स्टेबल होंगे, केयर फ्री होंगे। लेकिन जब न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होगा, यानी आप कम ज़्यादा मतलब करने लगेंगे, चिंताएं करेंगे, तो ये एंक्शियस होंगे, आप में हमें दिमागी बीमारी आपको घेरेंगी। तो हमने बात किया आज ओपननेस, कंसाइशनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म से। हाई होते हैं तो हमने ये बातें की, लो होता है तो हमने ये बातें की। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। पर्सनालिटी ट्रेट्स ये होते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।